नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश भोजक, आपका स्वागत है YouTube चैनल पहल क्लासेज में। हम पढ़ रहे हैं भारत के इतिहास में वैदिक काल, और वैदिक काल में हमने पढ़ लिया था ऋग्वेद काल। क्यों वैदिक काल को हमने कल दो भागों में विभक्त किया था, एक ऋग्वेदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल के बारे में चर्चा कर ली थी, आज चर्चा करते हैं उत्तर वैदिक काल। ये उत्तर वैदिक काल, क्योंकि वैदिक काल मैंने आपको बताया था कि वैदिक काल को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला 1500 से 1000 ईसा पूर्व और दूसरा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो काल था वैदिक सभ्यता का, उसे उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। ये उत्तर वैदिक काल का जो इतिहास है, ये उत्तर वैदिक काल क्यों आया, ये उत्तर वैदिक काल किस आधार पर इसे किया गया था, ऋग्वेद के काल के बाद ये उत्तर वैदिक काल का जो इतिहास है, उत्तर वैदिक काल के इतिहास को उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है ये, जो ऋग्वेद के बाद लिखे गए। ऋग्वेद के बाद जो वेदों की रचना हुई थी, ऋग्वेद के बाद जिन जिन ग्रंथों की रचना हुई थी, वो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आता है। सामवेद लिखा गया था ऋग्वेद के बाद, यजुर्वेद लिखा गया था, अथर्ववेद लिखा गया था। तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसके अलावा जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इन ब्राह्मण ग्रंथों की भी रचना इस उत्तर वैदिक काल में हुई थी। इसके अलावा जो आरण्य है, उन आरण्यों की भी रचना कौन से काल में हुई, उत्तर वैदिक काल के अंदर हुई थी। आरण्यों की रचना, तीनों वेदों की रचना और ब्राह्मण ग्रंथों की रचना उत्तर वैदिक काल के अंदर हुई थी। उत्तर वैदिक काल में जो मुख्य व्यवसाय था, उत्तर वैदिक काल का जो मुख्य व्यवसाय था, वह था कृषि। कौन सा था? कृषि। और कृषि के अंदर इनकी जो मुख्य फसलें थी वो चावल और गेहूं थी, चावल और गेहूं। लेकिन ध्यान रखना, उत्तर वैदिक काल में आर्य जो थे, अनेक प्रकार के तिलहन फसलों का भी उत्पादन प्रारंभ कर दिया था, उत्पादन लेना शुरू कर दिया था। और उत्तर वैदिक काल के आर्य लोहे से भी परिचित हो गए थे। लोहा, जिसे कृष्ण ऐश के नाम से जानते थे ये लोग, इस कृष्ण ऐश के लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में शुरू हो गया था। देखो, हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता जो मातृसत्तात्मक थी, लेकिन वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक आ गई थी। ऋग्वेद काल में महिलाओं की जो स्थिति थी वो अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की जो स्थिति थी, उस महिलाओं की स्थिति में क्या आ गई थी, गिरावट आ गई थी। महिलाओं की स्थिति में उत्तर वैदिक काल में गिरावट आ गई थी, और उत्तर वैदिक काल का जो प्रमुख देवता था वो भी बदल गया था। ऋग्वेद काल का वही देवता बताया था, उत्तर वैदिक काल का देवता है, उत्तर वैदिक काल में जो देवता उसको प्रजापति कहा जाता था, यानी आज का जो ब्रह्मा जिसे हम कहते हैं, ब्रह्मा जी उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता था। उत्तर वैदिक काल में वेदों का और ब्राह्मण ग्रंथों का विरोध करने वाले धार्मिक अध्यापक भी थे, और इन वेदों का और ब्राह्मण ग्रंथों का जो विरोध करने वाले अध्यापक होते थे, उनको शर्मण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शर्मण कहा जाता था। ये जो हम राष्ट्र, हमारा राष्ट्र भारत हमारा राष्ट्र है, राष्ट्र शब्द का प्रयोग, राष्ट्र शब्द का उपयोग, उल्लेख सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में किया गया था। कौन से काल में किया गया था? उत्तर वैदिक काल के अंदर राष्ट्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया था। देखो, मैं एक और बताता हूं, द्विज शब्द का प्रयोग ब्राह्मणों के लिए किया गया था उत्तर वैदिक काल। द्विज का अर्थ होता है दो बार जन्म लेने वाला, ब्राह्मणों को दो बार जन्म लेने वाला बताया गया है उत्तर वैदिक। क्यों? एक तो मां के गर्भ से जन्म लेना, और दूसरा शिक्षा प्राप्त करके नवजीवन लेना। इसलिए ब्राह्मण, ब्राह्मण का अर्थ होता है विद्वान। तो शिक्षा लेकर
विद्या लेकर अपना नव जीवन शुरू करते थे। इसलिए ब्राह्मणों के लिए उत्तर वैदिक काल के अंदर क्या प्रयोग किया जाने लगा, द्विज शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। और समाज जो था उत्तर वैदिक काल के अंदर, ये उत्तर वैदिक काल के अंदर जो समाज था, उस समाज का जो वर्ण था गोत्र पर आधारित हो गया था। गोत्र जो वर्ण व्यवस्था थी, चार वर्ण जो कर्म के आधार पर थे ऋग्वेद काल के अंदर, वह उत्तर वेद काल में आत्यातर गोत्र पर आधारित हो गए। अब हम चर्चा करेंगे इस उत्तर वैदिक काल और जो कल हमने पढ़ा था ऋग्वेदिक काल, उस उत्तर वैदिक काल और ऋग्वेदिक काल के अंदर प्रशासनिक जो व्यवस्था थी, उस प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा हमें करेंगे कि ये कैसी प्रशासनिक व्यवस्था है। प्रशासनिक व्यवस्था की अगर हम चर्चा करें तो जो ऋग्वेद काल और जो उत्तर वैदिक काल है, उस ऋग्वेद काल में प्रशासनिक व्यवस्था और उत्तर वैदिक काल में प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत ज्यादा अंतर आया। बहुत ज्यादा अंतर क्या आया कि जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जब ऋग्वेद काल की प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके अंदर विद्दे नाम की एक संस्था सभा थी, जो आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था विद्या का गठन किया गया था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इस विद्या का अस्तित्व ही खत्म हो गया था। विद्या नामक जो संस्था थी, जो आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी, उसको खत्म कर दिया गया था उत्तर वैदिक काल में आते आते। ऋग्वेदिक काल के अंदर सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की एक समिति थी, एक संस्था थी, और उसके अलावा एक समिति का गठन किया गया था। समिति के अंदर जो सामान्य लोग होते थे, उस सामान्य लोग सम्मिलित कर होते थे, और सभा और समिति के द्वारा राजा की नियुक्ति होती थी, राजा की नियुक्ति की जाती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते सभा और समिति की जगह प्रजापति का अस्तित्व आ गया था। किसका अस्तित्व आ गया था? प्रजापति का। कहते इस प्रजापति के दो पुत्रियां थी, अथर्ववेद के अंदर प्रजापति की दो पुत्रियां बताई गई, जिसका एक का नाम सभा और दूसरी का नाम समिति था। यानी प्रजापति का अस्तित्व आ गया था। किसकी जगह? सभा और समिति, जो सम्राट लोगों की संस्था और जो सामान्य लोगों की संस्था थी, उनकी जगह। ऋग्वेद काल में इन समितियों के अंदर महिलाओं की भागीदारी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंदर इन महिलाओं का इन सभा और समितियों में प्रवेश वर्जित हो गया था। ऋग्वेद काल के अंदर राजा की नियुक्ति सभा और समिति के द्वारा की जाती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते राजा का पद जो था आनुवांशिक हो गया था। ये अंतर आ गया था ऋग्वेदिक काल के प्रशासनिक व्यवस्था में और उत्तर वैदिक काल के प्रशासनिक व्यवस्था में। अब कल चर्चा हम करेंगे इस वैदिक काल में जो ग्रंथों की रचना हुई थी, जो वेदों की रचना हुई थी, इसके अंदर देखो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई थी, अरण्य की रचना हुई थी, वेदों की रचना हुई थी। कल हम इन सभी ग्रंथों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।